हेलो एवरीवन, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार। और कैसे हैं आप सब? और आपको मैं पहले ही बता दूं, मैं ओवर वॉइस कर रही हूँ तो आपको थोड़ी आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि हमारे यहाँ पे मंदिर पे रामायण हो रही है और हम लोग जा रहे हैं तनु और कुकू के स्कूल रिपोर्ट कार्ड्स लेने। और कल जो मैंने थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो डाला था, उसमें एक भाई बोल रहे थे आपके गाँव में बकरियाँ बहुत हैं। नहीं, हमारे गाँव की नहीं है, हालाँकि हमारे गाँव में भी हैं, पर ये रास्ते में मिली थी हमको, तो बच्चों का स्कूल आ गया। फिर मिलते हैं आप सबसे। चलो आपको एक चीज़ दिखाते हैं। हमारे यहाँ पे ना ये इलेक्ट्रॉनिक बस चल गई है। हमारे जो योगी सर हैं उन्होंने काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया है यूपी में और ख़ास करके हमारे अलीगढ़ में। आपको बैक से दिखाती हूँ। ये देखिए, ये दिल्ली में जो चलती है ना, ये वही वाली बस हैं। इनका कोड वोड तो मुझे नहीं पता, जैसे वहाँ पे एसी और मतलब वो चलती है, कुछ दो रंग की हैं, ग्रीन और रेड हैं दिल्ली में, यहाँ का मुझे नहीं पता। मुझे तो बस ये पता है कि चली हैं और ये है। हम लोग गए थे बच्चों के स्कूल और स्कूल से मिले हैं रिपोर्ट कार्ड, और जिससे उम्मीद नहीं थी वो तो मार्क्स बढ़िया लेकर आया, पर तन्नू एकदम गोल हो गया। कुकू की इतनी उम्मीद नहीं थी, मुझे नहीं लगता था, जैसे उसका फर्स्ट ईयर है इस मतलब यहाँ पे स्कूल में, मुझे लगा था थोड़ा टाइम लेगी ये। और फिर स्कूल भी ज़्यादा ओपन नहीं रहा, एक एक दो दो महीने पढ़ाई हुई और फिर छुट्टियाँ दो दो तीन तीन महीने की, उस हिसाब से ठीक लेकर आई है। तो इसके सर भी इसके बारे में अच्छा बोल रहे थे, थोड़ा सा और थोड़ा सा मेहनत करें ना तो थोड़ा अच्छा हो जाएगा। और तन्नु एकदम गुल है, इनकी जो पोजीशन आई है। तन्नु क्या बोल रहे थे सर, बताइयो क्या बोल रहे थे, क्या कह रहे थे तुझसे? पढ़ाई कम कर, पढ़ाई करे करो। पर तन्नु हमारा पढ़ाई करता नहीं है, तन्नु तो बस हमारे यहाँ मतलब ताई के घर जाके वो वाली पढ़ाई करता है। क्या पढ़ाई करता है? खेत पे पढ़ाई करता है, खेत पे रह के, है ना, सुबह से जाएगा और वहीं पड़ा रहेगा दिन भर। हम लोग गाड़ी में ही बैठे हैं, गर्मी कितनी हो गई है ना कुकू, बहुत गर्मी पड़ रही है अभी से। ये हाल है तो पता नहीं, वो जो जब मई जून वाला आता है ना तब क्या होगा पता नहीं। ऐसे देखते हैं, कह रहे थे एसी लगवाने की, पर लग जाए तभी, मेरा मन नहीं है पर एसी लगवाने का, क्योंकि मेरा मन है कि मैं पहले घर का अच्छा सा मतलब पेंट वेंट करा लूँ, अच्छा सा मतलब हो नहीं ना टूट फूट जो हो रही है। अभी जी मना कर रहे हैं कि नहीं, चलो आपकी मर्जी। नहीं खुल रहा, फ्रूट लेने गए पापा। वैसे ये व्रत रही है, मैं व्रत रहूंगी है ना। और अभी कितने बजे है? मैं भी कुछ भी नहीं खाया मैंने, बस तुमने तो वो दिए थे नट, तू नट दिए थे बस। हमने खा लिया, आप तो रह लोगे ना। अच्छा चलो अभी पापा लाते हैं तब फ्रूट्स खिलाएंगे, ठीक है। एप्पल मंगाना, अब देखते हैं पापा क्या लेके आए। अग्नि जी यहाँ से ना टमाटर खीरे ले रहे हैं, अच्छे मिल जाते हैं मतलब एकदम फ्रेश। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला फील्ड जो देख रहे हैं, यहाँ पे आम के जो लगे हुए हैं, यहाँ पे ये आम का बाग है और इसके ही नीचे जो है ना मतलब कि खीरे ककड़ी ये सब किए जाते हैं। तो यहाँ पे जो है ना काफ़ी फ्रेश फ्रेश सब्जियाँ मिलती हैं, खास करके जो ये जो ना पानी वाली होती है ना, जैसे खीरा ककड़ी टमाटर और क्या होता है, और तरबूजे खरबूजे भी अभी हाँ चलते हैं, वो भी सब है ना यहाँ पे फ्रेश फ्रेश मिलता है सब। अभी आम भी आएंगे ना तो आम भी एकदम ताज़े ताज़े मिलेंगे, यहाँ पे इतना आम लगा रहता है नहर पे बहुत ज़्यादा। ये मैं गुलेल लेकर आई बंदरों को मारने के लिए, घर में आ जाते हैं ना, हालांकि निशा के घर है पर मैं ले आई, सस्ती है 10 रुपये की। भाई बोल रहे थे कि ये जो गंगा जी हैं ये कहाँ की हैं, ये गंगा जी तो नहीं है, नहर है, हरिद्वार से आ रही है सीधे। आपने अगर सुनी हो हमारे यहाँ अलीगढ़ में एक कासिमपुर के नाम से एक नहर है, कासिमपुर पावर हाउस से ही होके निकलती है। तो हम लोग आ गए हैं घर और गाड़ी हमारी अभी यहीं पार्क होती है, क्योंकि अब जहाँ पे जिस प्लॉट में पार्क होती थी ना, जिसमें बड़ा सा दरवाज़ा था, उसकी चाबी अब किसी और के पास है, तो जो खेत करते हैं ना उनके पास है।
तो हम लोग है ना यही टीन में पार्क कर रहे हैं अभी, और ये रही हमारी सारी सब्जियाँ। मुझे पेठा बहुत पसंद है तो अपनी जी मेरे लिए लेकर आए पेठा। हालांकि सबने खाया, मुझे पसंद है इसलिए ले आए, फ्रेश सा लग रहा था। और मैं हम लोग है ना मतलब वही खा रहे हैं, खीरा टमाटर। अभी दोपहर के टाइम मन कर रहा था एकदम ताज़ी ताज़ी देखकर, तो वही नमक लगा लगा के खा रहे हैं। और निशा के घर से मठा आया था, दीदी बोल रही थी कि मठा ताजी है ले ले पी लियो, तो मैंने कहा दे दो, तो वो दे गई, खुद ही दे गई। अरे ताजी ताजी मठा गुड़ के साथ। एक ग्लास है तो सही। आइए आप भी पीजिए छाछ और गुड़ का है तेरा गुड़। आई होप आपको मेरा ये आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टाटा।